क्रिकेट आपको जिंदगी भी सिखाती है कि कैसे आपका मकसद क्या है, आपको बहुत जल्दी मैच्योर भी कर देती है। 2017 का एक वर्ल्ड कप ऐसा था विच मेड मी बिलीव कि मैं क्रिकेट छोड़ दूं, और आज भी जब मैं उसकी बात करती हूं तो थोड़े से इमोशंस मेरे अटैच होते हैं। 2017 वर्ल्ड कप एक ऐसा था वेयर आई लॉस्ट माय ऑल बिलीफ, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकती। वो एक ऐसा टूर्नामेंट था कि उसमें मैं रन्स नहीं कर पा रही थी, और वो ऐसा टाइम था कि शायद मेरे रन्स ना करने की वजह से जो हमारी विनिंग जो लाइन थी वो क्रॉस नहीं हो रही थी। कि मैं कोशिश तो कर रही थी लेकिन मेरा अपने से यकीन भी उठ गया था। मैं बीच की बॉलें पैडों पे खा रही थी और ऐसा था जैसे कि मुझे खेलना नहीं आता। वापस आई, एक दो महीने तक आई वॉज कन्फाइंड टू माई रूम ओनली। इस जुमले ने ना आधे लोग के ख्वाब खत्म कर दिए कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लड़कियां अपने इस हवाले से बाल बड़े नहीं करती कि वो लड़की ना दिखे, उसको थोड़ा सा ट्रैवल करने में आसानी हो। आई हेल फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड जिसको कहते हैं तोरगर, पश्तो में कहते हैं तोरगर और उर्दू में वो है काला ढाका। मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया लेकिन सोसाइटी ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक हम लोग गोल्ड मेडल्स जीते नहीं दोनों, जब तक गोल्ड मेडल्स हम लोग जीते तो लोगों का परसेप्शन चेंज होने लगा, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। देखें, एक किसी भी प्लेयर की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी भी जर्नी कुछ आसान नहीं थी, बहुत ही मुश्किल थी और ऐसे ऐसे टाइम थे कि समझ नहीं आता था कि करना क्या है। लेकिन एक आपके पास मोटिवेशन होती है और इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं होती कि आप पाकिस्तान के लिए आप नुमाइंदगी करते हो। तो देयर वॉज अ टाइम जब मेरा एक्शन सस्पेक्टेड कॉल हुआ, जब सस्पेक्टेड कॉल हुआ तो आई वॉज अ प्योर बॉलर और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था बैटिंग का। एक शुगल में बैटिंग कर लेता था बंदा। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि अब तो मैं नहीं खेल सकती, तो फिर शी वॉज द वन हु रिमाइंडेड मी कि फॉर दिस डे तुमने अपना सीए छोड़ा था। तो शी मोटिवेटेड मी और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं लकी सीनियर्स के बैच में खेली, तो उन्होंने मुझे माइल किया इस तरफ कि मैं बैटिंग में अपना ध्यान लगाऊँ। फिर दिन रात एक करके भाई के साथ रोजे होते थे, तो अंधेरे में दो दो लाइटें लगा के खेलना कि मुझे बैटिंग करनी है, क्योंकि दो महीने बाद टूर था। तो वो काफ़ी टफ टाइम था कि वो अंधेरे में बॉल साइड करना, फिर उसके बाद अफ्तारी से एक दो घंटे पहले दोबारा खेलना। तो वो फेज़ काफ़ी टफ था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो गोल्डन पैच होता है ना वो बड़ा शॉर्ट टाइम का होता है, लीन पैच जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आज भी जब मैं रन्स करती हूँ तो मुझे अपना वो पैच याद रहता है कि ये गोल्डन पैच मुझे लंबा करना है ताकि मैं इतने रन्स कर सकूँ कि मेरे पास कुछ मेरे खाते में हो। वो कहते हैं ना, जैसे आप सोचते हो वैसा आपको मिलता है। ख्वाब और ख्याल ज़रूर सोचने चाहिए क्योंकि उससे आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस सम्त में सफ़र करना है। फेलियर और सक्सेस दोनों एक दूसरे में छुपे हुए हैं। तो जो नाकामी होती है ना वो आपको कामयाबी की तरफ माइल करती है, क्योंकि जब आप नाकाम होते हो तो वो आपको एक जज्बा देती है अपने आगे वाले माइलस्टोन्स अचीव करने का। दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स होंगे वो बहुत बहुत जगहों पर फेल हुए हैं और दोबारा भी उठे हैं। तो इसमें हमें डिफाइन ये करता है कि जो जब वो फेल हुए हैं तो उनके लिए बहुत विंडोज़ ओपन हुई अगर वो चाहते हैं।